भाई अभी फटाफट यहाँ से निकलते हैं, पूल खेलने आए थे कुणाल भाई यहाँ पे, अभी फटाफट निकलते हैं। और चूका बीच का एडवेंचर भाई, चूका बीच का बहुत गंदा एडवेंचर होने वाला है, मतलब बहुत तगड़ी तगड़ी चीजें दिख सकती है वहाँ पे। थोड़ा स्नैक्स स्नैक्स ले लेंगे फिर चलते सीधा। चलो भाई फिर मैं निकलता हूँ यहाँ से। अभी तो मैं पुलिस की पावर शो नहीं कर रहा हूँ भाई, वरना तो एक हाथ से उड़ जाओगे यार। सो गाइस अभी ना इनलाइन 4 की आप लोगों को साउंड सुनाता हूँ, ये CBR 600 की गन्ना इधर हो। सो गाइस हम लोग निकल चुके थे एडवेंचर के लिए और जा रहे हैं भाई बहुत घने जंगल में चूका बीच की तरफ। और गाइस यहाँ पे ना लोगों को बहुत भालू भालू और टाइगर वाइगर सब दिख जाते हैं, तो अभी सीधा निकलते हैं वहाँ की तरफ। और गाइस हाँ इस टाइम ये भी हो सकता है कि हमें क्रोकोडाइल भी देखने को मिल जाए, वो तो सब हमारे लक के ऊपर है। बाकी लेपर्ड वगैरह और वो सब दिख जाए तो भाई बहुत अच्छी बात है। मेनली तो मैं टाइगर और भालू देखने ही जा रहा हूँ क्योंकि वो ही बहुत कम दिखते हैं। तो बाकी अभी फटाफट निकलते हैं, रात का समय हो गया। बाकी देखो पूरा रात का समय हो गया और हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। बाकी अभी यहाँ से 2.5 घंटे लग सकते हैं, 2.5 घंटे या 3 घंटे लग सकते हैं। 2.5 घंटे तो गूगल मैप बता रहा है, तो 3 घंटे के आसपास लगेंगे ही लगेंगे। सीधा निकल के वहाँ पे फिर आपको व्यू चेक करवाता हूँ और कैसा वहाँ का घना जंगल है वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। और गाइस वो रिजर्व्ड एरिया, कोई ये मत सोचना कि ऐसी कोई मतलब जंगल वंगल है, पूरा प्रॉपर रिजर्व्ड एरिया है वो। तो सीधा वहाँ पे निकल रहे हैं हम लोग, बाकी आपको सीधा मिलते हैं वहीं पे। सो गाइस ये देखो ये फ्लैश लाइट लाया है बहुत मोटी वाली, इसका देखो ये अभी आप लोगों को पता नहीं लग रहा होगा कितना है, लेकिन ये जंगल में दिखाएंगे ना अभी कार के अंदर है। ये वाला खोल के दिखाना कुणाल भाई, साइड वाला। ये देखो भाई कितना मस्त है, क्लियर देखो कार के अंदर पूरी क्लियर रोशनी आ रही है, पूरा सब कुछ दिख जाएगा वहाँ पे। और भाई स्पॉटिंग के लिए काफी अच्छी है, और भालू से लड़ना हुआ तो कुणाल भाई है ही अपने। डेफिनेटली यू चीरो हनुमा। अभी फटाफट ये देखो इधर रास्ते तक तो पहुंच गए, अभी 2-2.5 घंटे तो लगने ही है सीधा कुछ भी ना कहते हुए। और बाकी भाई हमने ना एक प्लान बनाया है, अगर वहाँ पे कुछ नहीं देखा और गार्ड्स वार्ड्स नहीं हुए ना इसके अंदर स्पीकर के अंदर ना, किसी बकरी बकरी की आवाज़ लगा के कोई एनिमल्स को हम बुला सकते हैं बाहर, तो ये भी लेके चल रहे हैं साथ में कि कुछ भी ना दिखा तो लास्ट प्लान में फिर यही यूज़ होने वाला है हमारा। तो भाई अभी थोड़ा बहुत यहाँ पे रुके थे, सब लोगों ने काम करा है, 2-2 रुपए के जो सैशे आते ना ये सब लोगों ने लिए। कुणाल भाई ने ऐसी शॉर्ट पी लिए, पापा ने नहीं पिए अभी, और मैंने भाई ऐसी गटक लिए 3-4 पैकेट, 3 पैकेट मैंने करे, 3 पैकेट कुणाल भाई ने करे। और अभी सीधा सब लोग हो गए सुपर चार्ज और अब सीधा निकल रहे हैं। ये भी ले लिए थे जूसेस वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह हर चीज ले लिया, अब सब पेटी पैक हो गए और सीधा अब निकलते हैं। पीलीभीत पहुंच गए थे, अब ज्यादा देर का रास्ता भी नहीं है, मुश्किल से 1 घंटे का रास्ता बचा है, तो अभी पहुंचने ही वाले हैं हम लोग सीधा उधर ही। सो भाई जंगल चालू हो चुका है और अभी हमें जो फॉक्सेस है ना उसके 3-4 एक साथ ग्रुप में देखे थे, और अभी रास्ते में भाई काफी जंगली जानवर दिख चुके हैं हमें, बोर वगैरह। और बाकी अभी पहुंचने वाले हैं वहाँ पे, ज्यादा देर का रास्ता नहीं रह गया, जंगल एरिया एंटर हो चुके हैं हम लोग। बैरिकेडिंग आ गई, ये देखो पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये देखो गाइस एंटर कर चुके हैं हम लोग पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अंदर। अब भाई टाइगर रिजर्व के अंदर एंटर कर चुके हैं, अब यहाँ से पूरा जंगल है, अब यहाँ से अगर घुसे हैं तो कुछ भी दिखने के चांसेस हैं, कुछ भी टाइगर से लेके भालू तक कुछ भी दिखेगा। बाकी अभी मेन जंगल के अंदर अंदर जाके पहुंचेंगे थोड़ा, तो वहां पे देखते हैं भाई कि क्या दिख सकता है वहां पे। गाइस ये देखो कैसे हम लोग अपनी फ्लैश लाइट से चल रहे हैं, ये देखो कितनी तगड़ी फ्लैश लाइट है भाई, भाई कितना थ्रिल लग रहा है ये रोड भाई, मस्त है भाई पूरे जंगल के बीच में। सो गाइस अभी ना डंकी रोड चालू हो गई है, यहाँ से अब चालू हो गए हम लोग, और सीधा अभी थोड़ी देर का ही रास्ता बचा है, पूरे अभी जो जोन है उस जोन के अंदर जाने में थोड़ी देर का ही रास्ता बचा है। बाकी इस रास्ते पे तो अब रोड सही मिल गई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो वाली रोड थोड़ी सी खराब थी,
अब मेन रोड पे आ गए हैं। अब यहाँ से मेन हमारा कोरचू का बीच जाने का जो रास्ता है वो ये देखो बर्ड्स चलो वहाँ से बर्ड्स है तो यहाँ पे हमारे बहुत ज्यादा चांसेस है कि हमारा कोई भी एनिमल या कोई भी क्रिएचर पास थ्रू कर जाए क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे कुछ नोन्स गए हुए थे यहाँ पे उन्हें सेम रोड पे ही जो स्लॉथ बियर है इंडियन स्लॉथ बियर उनकी साइटिंग मिली थी। कुणाल भाई कुछ है आगे कुछ है कुछ है कुछ तो नहीं गार्बेज है आई गेस। अरे यार इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट है कि कुछ भी दिख रहा है तो हमें ऐसा लग रहा है कोई ना कोई एनिमल है कोई भी कोई ना कोई क्रिएचर है क्योंकि हम दोनों इतने ज्यादा एनिमल एंथुसियास्ट हैं ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है मुझे तो बहुत है। सो गाइस मुझे तो बहुत ही ज्यादा मतलब पसंद है ये सब जो ऐसे एडवेंचर टूरिंग वगैरह है। गाइस ये देखो अभी एकदम से हम लोग क्या करेंगे कनक कुणाल भाई ओ भाई चलो चलो भाई कुछ भी नहीं दिख रहा है कुछ भी नहीं दिख रहा है भाई ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन से फिल्म की शूटिंग चल रही है भाई लिटरली ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग है ये। एंड गाइस ये देखो डैम आ गया ये चूका बीच का ये देखो आप जो जहाँ पे वो जा रही है ना लाइट ये सब पानी पानी है यहाँ पे पानी पानी ये पूरा डैम है भाई ये देखो कंट्रोलर्स लगा रखे पूरा डैम है ये आगे फेंसिंग चालू है वो देखो। सो गाइस यहाँ पे जो स्टाफ हैं यहाँ के जंगल के उनके पास भी एक वीडियो है वो भी वीडियो दिखाएंगे कि भालू की यहाँ तक आ जाता है पूरा प्रॉपर ये अभी आएगा ना वो निकल के आया भाई ये तो यहीं का ही है ये वीडियो किसने बनाई है वीडियो वो कैसे भाग के गया भाई हाँ ये तो यहीं का ही है ये रहा यही पुल तो है ये हाँ ये लोग भगा रहे हैं बाप रे भाई देखो यहाँ तक आ जाता है पूरा भालू ये इसी पुल का है ये इसी पुल का है जहाँ से भालू भागता हो गया था ये देखो यहाँ से भागता हो गया था भालू भागने। सो भाई हमें यहाँ की ना परमिशन मिल चुकी है देखो बैरिकेडिंग खुल गई है और हम लोग निकल रहे हैं सीधा अंदर की तरफ यहाँ से ओके भैया बाय बाय। तो भाई ये देखो अंदर की तरफ निकल चुके हैं गाइस ये देखो हाथी ने पेड़ उखाड़ा हुआ है पूरे देखो हाथी के दांत जैसे लगे हुए ना इस पेड़ पे ये देखो ये हाथी का उखेड़ा हुआ पेड़ है जड़ से उखेड़ा है हाथी ने ये देखो भाई मतलब इसका मतलब हाथी भी है यहाँ पे देख के चलानी पड़ेगी भाई कार। गाइस रास्ता चेकआउट करो कैसे रास्ते पे आ गए हैं बिल्कुल बाप रे बाप इधर देखेंगे बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि कच्ची मिट्टी है ना इधर भाई सोना भी पसंद करेगा कि भालू और कोई भी जानवर होगा ये देखो एक और पेड़ उखड़ा हुआ है। तो गाइस अभी यहाँ से ना बैक ले रहे थे आगे शायद से रास्ता बंद है और हम डैम पे हैं इस समय शारदा डैम पे हैं इस समय हम लोग तो आगे का रास्ता कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो यहाँ से बैग ले रहे हैं कि जहाँ पे हमें टाइगर वगैरह स्पॉट हो। गाइस अभी देखो एक टेस्ट है हमारी सीडैन है और इसके नीचे से निकाल लेंगे चलो निकल गई ना भाई निकल गई डियर का झुंड जा रहा है गाइस पूरा झुंड जा रहा है गाड़ी बंद कर दो कुणाल भाई गाड़ी बंद कर दो पूरा गाइस डियर का झुंड जा रहा है ये देखो बस गाड़ी रोक दो कुणाल भाई गाइस पूरा झुंड जा रहा है डियर का ये चेकआउट करो ओ भाई क्या मस्त क्रॉस कर रहे हैं रोड पूरा कम से कम नहीं तो 20 से ऊपर डियर्स हैं ये देखो ओ भाई कितने सारे हैं स्पॉटेड डियर ओ गाइस ये लोग रिजर्व एरिया के अंदर घुस रहे हैं ये देखो फेंसिंग लेडीज भी इनके साथ में पूरी फैमिली है भाई पूरा एक झुंड है सारे देखो हमें देख रहा है उसको पता है हमें यहाँ पे तो बहुत तो भाई नहीं रहने दो कुणाल भाई रहे वैसे भी कुछ सारे ऐसे नहीं आते कुत्ते नहीं है वो तो जा ही रहे ना बाप रे कितने ओ भाई आगे तक वो देखो कहाँ तक है गाड़ी बंद कर दो वो अलर्ट हुआ है टाइगर की उन्हें महसूस हुई तो गाड़ी की साउंड नहीं भाई नहीं गाड़ी बंद कर दो अरे भाई अगर टाइगर आ गया मेरे नीचे भाई वो अलर्ट हुए थे हिरन उधर से साउंड आई थी और ये लोग अलर्ट हुए वो देखो उधर मेल डियर का वो देखो मेल डियर खड़े हैं उधर आप लोगों को दिख रहा होगा वो दिख रहा है वो लोगों ने उधर देखो अलर्ट खड़ा हुआ है वो एक अकेला डियर उधर को देख रहा है बिल्कुल अलर्ट खड़ा हुआ है वो मेल डियर है वो देखो स्पॉटिंग कर रहा है। तो भाई ये देखो सबके सब हमें देख रहे हैं इन्हें अब बाय करने का टाइम आ गया है निकल गए ये सब लोग निकल रहे हैं चलो भाई आगे का देखते हैं आप।
भाई ये देखो किसी ने शिकार करके रखा हुआ है यहाँ पे। ओ भाई साहब ये देखो ये तीतर का बर्ड टंग और ये उसके सारे बीच देखो भाई पूरा मीट के टुकड़े पड़े हुए रास्ते में। उसके लिवर है वो उसका हार्ट पड़ा हुआ है। अरे भाई छी भाई ये दिखाना ये क्या कुणाल भाई काला काला नीचे ये उसी का पूरा बॉडी है उसके पर वर तीतर या जो भाई भाई गाइस गाइस यहाँ पे शोर मचा हुआ बहुत ज्यादा रो रही है ये लोग। वो देखो उधर है तो भाई अलर्ट दे रहे हैं कुछ भाई सब लोग शोर मचा रहे थे पता नहीं सामने देखो सामने देखो सामने देखो पूरा कहाँ पे ये रहा भाई ये देखो ऑन करो लाइट भाई ये देखो सब रोने लग गए यार पता नहीं क्या हो गया। हाँ यही है यही है गाइस मशान आ गई है आगे और ये अब रोड अंदर की तरफ जा रही है। ये देखो गाइस ये बैरिकेडिंग है इसके अंदर हम लोग नहीं जा सकते बार बार गाड़ी घुमाते हैं। ये देखो ये मशान आई हुई है भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा यार उस रोड पे पूरा घुमाया कुछ भी नहीं दिखा लिटरली नहीं दिखा यार क्या भाई तो लड़ाई हुई थी आपस में इन लोगों की ये जैकल्स वगैरह की बहुत तगड़ी लड़ाई हुई थी वो देखो ओके तो गाइस अब बाइक निकाल लेते थे कार खड़ी कर दी है और सब लोग पूरा थक गए हैं। कुणाल भाई ने पूरी गाड़ी ड्राइव करी भाई फुल स्पीड में। बाकी यार आज कुछ देखा तो नहीं अभी कल का प्लान है देखो पार्ट 2 इसका जरूर आएगा हम लोग कल जाके फिर स्टे करेंगे तब आपको अच्छे से दिखाएंगे। गाइस हमारा ये प्लान है कि हमारा आज का स्टे का प्लान नहीं था तो हमने ये सोचा है कि हम वहाँ पे जाके स्टे करेंगे रात को रुकेंगे वहाँ पे फिर सुबह निकलेंगे मतलब सुबह भी निकलेंगे और रात को भी निकलेंगे तो पूरे चांसेस हैं दिखने के। 2-3 बार जब तक नहीं घूमेंगे उसके अंदर तब तक हमें दिखने के चांसेस नहीं है। एक बारी में तो भाई बहुत लक होता है बाकी 2-3 बार घूमेंगे तो चांसेस बढ़ते रहेंगे जैसे 50-50 होगा फिर 60% फिर 70% ऐसा मतलब दिखने के चांसेस हैं। बाकी रात को वहीं पे रोकेंगे और भाई अपने जब लड़के लोग रुकते हैं तो मस्ती तो होती है रात को निकल गए एकदम से कहीं भी। बाकी गाइस कल हम लोग दोबारा से जाएंगे और वीडियो में बने रहिएगा कल भी देखना कि हम लोग कैसे मतलब वहाँ पे पहुँचते हैं कैसे दोबारा से सारा कुछ वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। और इस बार तो हम अलग अलग जगह जोन में भी जा सकते हैं हम लोग इस बार एक ही जोन में गए थे जोन में भी कहाँ गए थे हम लोग बाहर ही घूमे थे। इस बार आपको जोन के अंदर जाके दिखाएंगे सफारी वगैरह करके और जोन के अंदर की हाथी वाथी भी देख सकते हैं भालू देखने का भाई मेरे को टाइगर से ज़्यादा लिटरली भालू में इंटरेस्टेड है। तो बाकी देखते हैं वहाँ पे जाके कल पूरा रुकने वुकने का सिस्टम फिर देखते हैं कि क्या क्या दिखता है और क्या क्या नहीं दिखता। अब पता है क्या फॉरेस्ट मिनिस्टर जो है उनसे परमिशन लेकर कि एक जो नॉन रेस्ट्रिक्टेड एरिया मतलब रेस्ट्रिक्टेड एरिया उसके अंदर भी जाएंगे हम वहाँ हाँ। पे ज्यादा चांसेस होते हैं देखने के। भाई हम फॉरेस्ट मिनिस्टर से लेकर रिक्वेस्ट लेके जाएंगे पूरा अंदर और बाकायदा सारा काम बिल्कुल उससे करेंगे मतलब लॉ के साथ चल के करेंगे और बाकी कोई भी लॉ को ब्रेक नहीं करेंगे। बाकी भाई कल मिलते हैं सीधा आपसे तो गाइस गुड नाइट एंड टेक केयर।